और देख रहे बुंदेली चुगली, हम हैं राजेंद्र त्रिवेदी। यही मेरा की खबर है छतरपुर से कि जहां मानव अधिकार प्रशासनिक संस्थान की जिला इकाई छतरपुर ने एक संगे 10 प्याऊ खोले। इको उद्घाटन करो है छतरपुर के विधायक श्री आलोक चतुर्वेदी पंजन चाचा ने, और जिला अध्यक्ष हैं मानव अधिकार इकाई संस्थान के जिला अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जैन। जन सहयोग रसोई होए, चाहे कोरोना हो, चाहे कोनो भी विपत्ति हो, भैया प्रकाश चंद्र जैन एक ऐसे समाज से भी हैं कि वे हर काम में बराबरी से हिस्सा बटाओ, अपनों सहयोग दे दें। देखो जा खबर के कहां कहां खुले प्याऊ। दिनांक 13/4/2023 को मानव अधिकार प्रशासनिक संस्थान नई दिल्ली की जिला इकाई छतरपुर के द्वारा शहर में 10 जगह निःशुल्क प्याऊ खोले गए, जिनको शुभारंभ छतरपुर के विधायक श्री आलोक चतुर्वेदी ने करो है। इमें निम्न आदमी उपस्थित रहे हैं जो सहयोगी हैं, वे सभी जने इमें सहयोग करत रहे हैं और कर रहे हैं। उनमें सबसे प्रमुख हैं प्रकाश चंद्र जैन जिलाध्यक्ष, आनंद अग्रवाल जिला सचिव, राजेंद्र कुमार अग्रवाल जिला कोषाध्यक्ष, मनीष दोसा, विपिन अवस्थी जी, प्रवीण गुप्ता जी, राजीव रूसिया जी, जगदीश टिकरिया जी, महेंद्र गौतम जी, अनुपम टिकरिया जी, जितेंद्र पटवा जी, अभिषेक जैन जी, पूरन लाल गुप्ता जी, चंद्रभान रावत जी, राम कुमार गुप्ता जी, योगेंद्र साठी जी, विजय जैन जी, हरिशंकर चौरसिया जी, गिरीश शर्मा जी, मनोज खत्री जी, सौरभ गोस्वामी जी और श्री राम नारायण अग्रवाल, ये सभी लोग, मुन्नी लाल विश्वकर्मा और श्री मस्त राम लोधी जी, ये सभी लोग भैया उपस्थित रहे इन प्याऊन के उद्घाटन में जो विधायक आलोक चतुर्वेदी जी पंजन चाचा के द्वारा करोगे। बोलिए भारत माता की जय। की भगवान चाचा के स्वागत करें करें गुड हो जा यार, हम बैठ अभी जा आप का करें गुड हो जा यार। भैया महेंद्र गौतम जी दर्शन गए ठीक हुआ है, आदर चाचा का स्वागत करें। भैया महेंद्र गौतम जी श्री राम नारायण अग्रवाल की जरूरत वो आए और पानी की व्यवस्था के लिए चाचा पूरी गर्मी में पानी भरते हैं, टैंकर बढ़वाते हैं। उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने सोचा कि ऐसा ना हो कि जगह जगह पर प्याऊ नहीं लगवा पा रहे हैं, जिन जिन के हमारे संस्था के जो पदाधिकारी हैं, जो हमारे मेंबर हैं, उनकी दुकान के सामने, घर के सामने अगर दो दो मटकी लगी है, रख दी है जहाँ, कुछ लोग चौक बाजार में रहें, कुछ लोग महलों पर रहते हैं, कुछ लोग बस स्टैंड पर रहते हैं, हर जगह पे दो दो मटकी दरवाजे रख देंगे, तो जो संस्था के हमारे पदाधिकारी हैं, जो सदस्य हैं, उनकी जिम्मेदारी उन्होंने ली अपने स्वयं मन से कि मैं इन पर पानी 24 घंटे भरा रखूँगा। तो इन सबकी साझेदारी से, सबके विचार विमर्श लेके ये हम लोगों ने प्रयास किया कि सबकी कम से कम अगर प्याऊ तो लगवा रहे हैं लेकिन वो पानी नहीं मिल पाता कभी कभी, तो अपन ने सोचा कि सबके घर पर जी का मटका रखा रहेगा तो प्यास रहेगा तो पानी पीने को उसको मिल जाएगा। इसको सोचते हुए हमारे मानव अधिकार के सदस्यों ने निर्णय लिया कि अपन छतरपुर में कम से कम 10 से 12-15 मटका इस टाइम बनवाएं और लगवाएं। 8-10 लोग तैयार हुए, सहमति प्राप्त हुई है और उसके बाद भी और भी जो मेम्बर यहाँ पर बैठे हुए हैं वो चाहते हैं कि हम अपनी संस्था के नाम के बैनर के नीचे अपने दरवाजे मटके रखें, इसलिए शहर स्वीकार करते हैं तो उनको मटके प्रदान किए जाएंगे। इसको देखते हुए हमारा यही प्रयास रहेगा कि गर्मियों भर अप्रैल मई जून 3 महीने कम से कम अपने मटके परमानेंट भरे रहे हैं, ये इनका बड़ा पानी भरा रहे, प्यास से पानी मिलता रहे, इससे बड़ा कोई परोपकार नहीं है। पानी पिलाने से बड़ा कोई परोपकार नहीं है। सभी लोगों से हम अभी भी अनुरोध करते हैं, अगर जिन लोगों ने इस गर्मी के काम किए वो अच्छी बात है, नहीं करते हैं अपने घर के दरवाजे पर एक कम से कम पानी का मटका और नीचे जानवर पशु वगैरह उनके लिए हौदी, जो अपने गौरी संरक्षण दिवस को मनाया गया था बिपरवस्ती के संगम सेवालय में, हर
छत पे कम से कम छोटे वो मटकियाँ रखी हैं या छोटे कटोरे आ रहे हैं मट्टी के, हमने पानी भर कर रखा हुआ है, जो प्यासे पक्षी बेचारे धूप में घूम रहे हैं, गर्मी पड़ रही है, उसको पानी मिले। अपना उद्देश्य यही है, प्यासे को पानी मिलना चाहिए। हमारे इसी तारतम्य में हम अपने भाई मनीष दोसाई से अनुरोध करते हैं कि चाचा जी का वाला पर स्वागत करें, भी प्रज्वलन तो करवा दो, भी प्रज्वलन करा, ठीक है, सभी लोगों का आग्रह हुआ है कि भी प्रज्वलन करवा दिया जाए, तो पहले आप भी प्रज्वलन करवा दीजिए। समाज हित में काम करता है, मानव सेवा के लिए काम करता है, जैसे अपने यहाँ पे नाश्ता स्टैंड पे बैठता था रसोई, और एक बड़ी रसोई है अपने चाचा जी की रसोई है, तो अपनी भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि बहुजन हिता बहुजन सुखा है, बहुत से लोगों को सुख मिले, बहुत से लोगों को हित हो, हमें ऐसे काम करना चाहिए। इसी तारतम्य में मानवाधिकार प्रशासनिक संस्थान के द्वारा ये के पहल की गई है, सबसे सरल मानव सेवा है प्यासे को पानी पिलाना। भैया रिंकू जी आइए, क्या चौधरी आइए, नाम के हक टीम में मूलभूत अधिकारों के नाम से जितने भी अधिकार दिए गए हैं वो सब मानव अधिकारों के तहत आते हैं। जैसे कि हम लोगों को अच्छी चिकित्सा का अधिकार, अच्छी शिक्षा का अधिकार, अच्छे वातावरण में रहने का अधिकार हमें मानव अधिकारों के तहत प्राप्त है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो हमें अधिकार प्राप्त होते हैं वो सभी मानव अधिकार के क्षेत्र में आते हैं। ये ऐसे संस्थान मानव अधिकारों की सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक सेवा में भी काम करता है। प्रशासन संस्थान के विषय में जानते तो सभी लोग हैं, यह एक ग्रेट एनजीओ है जो दिल्ली से संचालित है। अपनी छतरपुर जिला इकाई के द्वारा यह कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कि यह डबल मटके के 10 स्टैंड बनवाए गए हैं, जो शहर के विभिन्न भिन्न भिन्न स्थानों में मानव अधिकार प्रशासनिक संस्थान के सदस्यों की दुकानों पर रखे जाएंगे, और पूरी लगभग आधे से ज़्यादा शहर में इसका पानी सबको उपलब्ध कराया जाएगा दिन शुल्क। मानव अधिकार प्रशासनिक संस्थान मुख्यतः मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए काम करता है, जैसे कि पुलिस द्वारा जो कभी कभार गलत व्यवहार किया जाता है उसके विरोध में भी हम लोग काम करते हैं, एक्शन लेते हैं, और भी मानव अधिकारों का जो है कहीं भी हनन होता है तो वहाँ हम लोग उसके लिए एक्शन लेते हैं और कार्रवाई करते हैं। मानव शुरुआत आपने की है, दूसरे लोग भी देख के आगे करें, इस चीज को आगे बढ़ाएं, और जगह जगह वैसे भी अपने शहर में प्याऊ खुलते हैं, लोग पानी की व्यवस्था करते हैं, लेकिन ये एक अलग मिसाल होगी, चाहे वो बस स्टैंड एरिया हो, चाहे वो बाजार का एरिया हो, चाहे वो डाकखाने का एरिया हो, आप लोग एक टीम बनाकर निकलें जरूर और लोगों से कहें कि भैया दो मटके रखो, जब अगर आप कहेंगे तो रखेगा निश्चित बात, और ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास करें। आपने जैन साहब ने जैसा बताया कि मानव अधिकार संस्थान समाज के उन सारी व्यवस्थाओं पर चर्चा भी करता है और काम भी करता है, निश्चित रूप से आवश्यक है, अगर हम जागृत नहीं होंगे तो कोई सुनने वाला नहीं, हमें जागृत होना पड़ेगा, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारे व्यक्तिगत जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी या कोई समस्या है, हम मानव संस्था मानव अधिकार के तहत इन्हें जगाने, जैन साहब को जगाने जाएं, उससे पहले हमें खुद जागना चाहिए। मानव
मानव अधिकार प्रशासनिक संस्थान के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सदस्यगण एवं सम्मानित बंधुगण, बहुत नेक काम आपका संस्थान करने जा रहा है। गर्मियों का समय शुरू हुआ है और जिस तरह की भीषण गर्मी आने वाले समय में पड़ेगी, जो कि बताया जा रहा है आपके मौसम विभाग के द्वारा, ये आवश्यक है कि जगह जगह पीने के पानी का इंतजाम होना चाहिए, लोगों को राहत मिलनी चाहिए। ये हम आप अगर इस तरफ हमारी आपकी सोच जागृत हुई है तो ये वास्तव में बड़ा नेक कार्य है। सूखे कंठ को गीला करना, मैं नहीं समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई पुण्य का काम है, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है, प्यासे को पानी पिलाना। और आपका संस्थान कर रहा है अच्छी बात, लेकिन अगर आप सब लोग मिलके मोटिवेट करें लोगों को, एक बार हाथ जोड़ के सबकी दुकानों के सामने, दुकान के बाहर, अगर हम ये सामने वाले को, अपने साथी को, दुकानदार भाई को, किसी को भी मोटिवेट कर लें कि हम दो मटके दुकान के बाहर रख लें, कई बार हमारे पास ग्राहक आता है वो पानी नहीं मांग पाता, लेकिन अगर मटके रखते होंगे तो पानी जरूर मिलेगा, उसको प्यास की आवश्यकता होगी। तो हम जितना कर सकते हैं हम वो करना चाहिए, लेकिन हमें लोगों को मोटिवेट भी करना चाहिए इस तरफ कि जो भीषण गर्मी में लोगों को पानी पिलाने का काम है, हम जितना अधिक से अधिक करा सकें, करा पाएं, ये हमें प्रयास करना चाहिए। आपके संस्थान ने इस तरफ सोचा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और देख के दूसरे लोग भी इस तरफ, इस दिशा में हमें अपनी बात को लाना चाहिए। और जब हम संगठित होंगे, जब हम इकट्ठे होंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, तभी हम सफलता पा पाएंगे, अन्यथा सफलता भी नहीं मिलेगी। आज सुनने वाला कोई नहीं है, जो भी आज चल रहा है राजनीतिक परिदृश्य है, ये अपने हित के लिए चल रहे हैं, ये दूसरों के हित के लिए नहीं चल रहे हैं, समाज के हित के लिए नहीं चल रहा। समाज का हित जब ही हो सकता है जब हम आप सब खड़े होके समाज हित की सोचेंगे, तब समाज हित होगा। हमारा आपका दायित्व तो अगर अपने परिवार के लिए है तो उतना ही दायित्व तो हमारा समाज के लिए भी है, और समाज में हम संगठित रहें, एकत्रित रहें और आगे लोगों को दिशा भी बताएं और उनकी मदद भी करें, यही हमारा सबका मिलजुल कर एक दायित्व तो बनता है। आप सब ने मुझे यहाँ बुलाया, अपने बीच में मुझे आने का मौका मिला और एक नेक काम की शुरुआत करने का मौका मिला, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार। तो भैया रो भाई, आप लोगों ने जो खबर देखी कि दिल्ली के मानव अधिकार प्रशासनिक संस्थान की जिला इकाई ने 10 निःशुल्क प्याऊ खोले, जिनमें जिला अध्यक्ष हैं इनके प्रकाश चंद्र जैन, समाज सेवी, जन सहयोग रसोई भी चला रहे, आज बहुत सालों से चला रहे, और समाज सेवा के लाने जाने जाते हैं प्रकाश चंद्र जैन। फिर कौन खबर लेके हाजिर होगी, तब तक के लाने राम राम। गुरुकुलम शिक्षा संस्थान, बच्चों के संस्कारित जीवन और बेहतर भविष्य निर्माण की अभिनव प्रयोगशाला। आप हमें अपना बच्चा सौंपिए, हम आपको एक संस्कारित, होशियार, हुनरमंद इंसान बनाकर सौंपेंगे। CBSE बोर्ड के साथ इंग्लिश मीडियम से
हम आपके बच्चों को अन्य स्कूलों के बच्चों की तुलना में बनाएंगे ज्यादा होशियार और समझदार। हम देंगे अनुभवी और दक्ष शिक्षकों के द्वारा बच्चों को व्यवहारिक और ज्ञानवर्धक शिक्षा के साथ जीवन प्रबंधन बेहतरी की जरूरी ट्रेनिंग। हमारे यहाँ पर है वेल फर्निश्ड क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, फिजिकल और विजुअल एक्टिविटीज के लिए संपूर्ण व्यवस्था, खेल ही खेल में पढ़ने का आनंद, स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, पेंटिंग, आर्ट क्राफ्ट, संगीत से लेकर सनातन धर्म की मंत्र शक्तियों की शिक्षा देकर हम बनाएंगे आपके बच्चों को हर क्षेत्र में पारंगत। आपके बच्चों को देंगे ऐसा माहौल कि बच्चे हर दिन स्कूल जाने की जिद करेंगे, ना कि स्कूल के नाम से डरेंगे। आपके बच्चों को संस्कारित और आत्मविश्वास से भरपूर मजबूत नींव का पत्थर बनाने की अभिनव कार्यशाला है गुरुकुलम शिक्षा संस्थान। इस संस्थान में अपने बच्चे का एडमिशन कराने आज ही संपर्क करें 9458849449 और 9425144944। पता है बिजावर छतरपुर मार्ग, जसगुआ, बिजावर।